साहब कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 11 जुलाई को वो आर्टिकल 370 और 35A की जो पिटीशन दायर की गई है उनको सुना जाएगा। पहले आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि कैसा स्टेप है ये, क्योंकि आपकी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी ट्वीट करते हुए वेलकम किया है इसका। एक तो सिंपल, बेटर लेट देन नेवर, लेट्स होप अगेंस्ट होप, ठीक है ना, लेट्स होप अगेंस्ट होप, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग मजलूम हैं। तो अगर कहीं भी कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो हम डूबते को लगता है तिनके का सहारा शायद ऊपर ले जाएगी। अब सर बीजेपी की अगर बात करें लगातार वो इस आर्टिकल 370 के बारे में कल भी कुछ स्टेटमेंट सामने, उन्होंने कहा कि बस अभी भी ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो लोगों को बेवकूफ इसी नाम पे बना रहे हैं। ये सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो कब का चला गया है, जमीन के अंदर दफन हो चुका है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? उनको सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए तो उन्होंने जो 5 अगस्त 2019 को किया वो किया, क्योंकि वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं चूंकि वो इलेक्टेड हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेजॉरिटी में है पार्लियामेंट में, इसलिए वो सब कुछ कर सकते हैं। ये तो उनकी भूल है और न वो सुनने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट से ऊपर वो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, एंड हम वी आर प्राउड ऑफ इट, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, बिल्कुल है। मगर पार्लियामेंट से ऊपर एक चीज है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्राइम मिनिस्टर ने हेल्प ली, होम मिनिस्टर ने हेल्प ली, तमाम मेंबरों ने हेल्प ली, और वो जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया वो पार्लियामेंट से ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो मानते नहीं है, तो प्रॉब्लम है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हेल्प लेते हैं मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेटर एंड स्पिरिट मानते नहीं। अगर हम कहेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मगर बीजेपी कह सकती है क्योंकि वो बीजेपी कोर्ट से भी ऊपर है। हमारे लिए तो ये है, देखिए मैं लोगों की होप और एक्सपेक्टेशन रेज नहीं करना चाहता हूं। मैं आई वुड हैव लव्ड इट अगर सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली जब 5 अगस्त 2019 को जो भूचाल जम्मू कश्मीर में आया, जिसके झटके अभी भी हम महसूस कर रहे हैं, अगर इमीडिएटली वो टेकअप करती और ये कहती कि नहीं, हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप रोक लो, स्टे इस पे करते हैं जब तक हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 बार कहा है, वर्सेस संपत प्रकाश और 2 केसेस में, किस ये जो आर्टिकल 370 है इसने परमानेंट फीचर अब बन गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद भी उन्होंने 5 अगस्त किया 2019 को किया। इसलिए मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ाना नहीं चाहता हूं। जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, हमने मजहमत का रास्ता इख्तियार किया है, कहते हैं अगर आप रिजिस्ट नहीं करेंगे आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा मानना है पीडीपी का और महबूबा जी का कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो जम्मू कश्मीर लद्दाख की वहदत पे एक तलवार चली, पहचान पे एक तलवार चली, इसमें मजहब का कोई ताल्लुक नहीं। ये जम्मू के डोगरे को भी इफेक्ट करता है, ये लद्दाख के लद्दाखी को भी इफेक्ट करता है, इसी तरह जैसे ये कश्मीर के कश्मीरी को इफेक्ट करता है। सर हमारी आईएएस ऑफिसर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफिसर भी रहे हैं, उन्होंने भी अपनी पिटीशन दायर करी थी शाह फैसल की। आज जब कल ये स्टेटमेंट सामने आया तो उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 और 35A मुझ जैसे कश्मीरियों के लिए एक पास्ट है, और जहां तक मेरी बात है मैं कब की जो है अपनी पिटीशन विदड्रॉ कर चुका हूं। हालांकि उस वक्त में उन्होंने भी जो है इस आर्टिकल 370 के लिए पिटीशन दायर करी थी, तो इस इंटरेस्ट को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि एक आईएएस जो शुरुआत में पिटीशन दायर करता है और भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अब जब बात आती है तो वो कहते हैं कि नहीं जनाब खाली पास्ट है आर्टिकल 370 और मेरी पिटीशन जो है मैं कब की जो है विदड्रॉ कर चुका हूं। देखिए वो उनकी जाती राय है, उनकी राय क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लार्जर इशू इन्वॉल्व है। और सुप्रीम कोर्ट का जहां तक ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट किसी इंडिविजुअल पिटिशन पे नोटिस नहीं लेती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जहां तक ताल्लुक है, जहां तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक है, अगर कोई पिटिशन दायर भी नहीं करता, मेरा मानना है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इतनी इन्वॉल्व है कि उनको वैसे भी इसका नोटिस लेके इस पे अपनी राय देनी चाहिए थी। इसलिए मुझे नहीं लगता है किसी ने पिटीशन ली, किसी ने पिटीशन दी, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आगे बढ़ेगा। और हम उम्मीद फिर से यही करेंगे
कि डूबते को तिनके का सहारा, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्रैब करें और पूरे देश को बताएं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन्वॉल्व है, इसमें लीगैलिटी इन्वॉल्व है, और उसको तीन बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये परमानेंट फीचर बनेगा। ऐसा ही कुछ लैंडमार्क जजमेंट आएगा ताकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का टूटा हुआ भरोसा फिर से बहाल हो। शुक्रिया।